अस्सलाम वालेकुम यार, मैं कबीर आप सभी को स्वागत करते हैं अपना आपका यूट्यूब चैनल एच के इलेक्ट्रिक सेंटर में। सो यार्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, मेरे एक सामने एक मोटर है जो कि 48 वाट का मोटर है, 15 HP का। इस मोटर को इस वीडियो में हम जानने वाला है, इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। हालांकि इस 15 HP का मोटर का वीडियो और भी डाला हुआ है मेरा चैनल पे, तो ये थोड़ा डिफरेंस तरीके से इसको कॉइल करना है। इसमें कि 36 वाट का मोटर में, जैसे कि आप सभी को देखना, आप सभी ने देखा होगा, इसका जो कॉइल का सेट होता है वो तीनों कॉइलों का एक सेट बनता है, लेकिन इसमें जो है 4 कॉइलों का एक सेट है। तो इसको मैं, इसका जो फीस है इस मोटर में बना के, मैं इसमें टू एक एक 10 1 12 का पीस नहीं है, इसमें है चारों कॉइल का एक सेट बना के, 6 जो सेट है इसमें डाला हुआ है। तो किस तरह के इसका कनेक्शन होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जिस किसी ने अभी तक मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जाकर हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं इस वीडियो। सो व्यूअर्स, जैसे कि इस वीडियो में हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं तो वीडियो में दिखाएगा, इंशाल्लाह चलिए देखते। तो इसका जो जॉइंट है मैं अभी कर लिया, इसको इसमें कर लिया, किस वजह से वीडियो थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो इसीलिए इसका जो ली है वो कैप्चर नहीं कर पाया मैं। तो चलिए इसमें समझा देते हैं किस तरह से मैं किया। तो देखिए, इसका जो इनर है यानी 6 जो लीड है इसमें, 12 जो लीड, इसमें 6 लीड अभी जॉइंट कर दिया गया, तो मैं बनाया था उसमें थोड़ा मदद से वो जो है वो कट गया। तो चलिए भैया एक बार दोहरा देते इसको किस तरह से मैं किया। तो फिर देख सकते हैं इसका जो लीड है यानी इस सेट का, अगर इस सेट से आप समझे तो इस सेट जो है इसका इनर जो लीड है वो वाला ये है, तो इसका जो आउटर होगा तो आउटर इस इधर है आउटर, नहीं देख सकते इस बीच में जो है इसमें जॉइंट जो है इसके जॉइंट जो जॉइंट है इसमें करना क्या पड़ेगा, इससे सबसे पहले इस ऊपर वाला हर एक तीनों जो सेट है, 1 2 3 तीन सेट है, तीन सेट से जो इसका जो है एक इनर छोड़ दिया, उसका जो आउटर है इसको पकड़ने के बाद 4 जो लीड होगा, 4 नंबर जो लीड होगा उसके साथ जुड़ना है मेरे को। तो 1 2 3 4 इसके साथ 4 जो है मैंने सामने कॉइल का इनर के साथ जुड़ेगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक कॉइल का इस तरह, किधर से आप देखें तो हर एक कॉइल का लेफ्ट साइड के तरफ, लेफ्ट साइड में उसका जो है इनर है और राइट साइड में जो है उसका आउटर निकल के आते हैं। तो इस तरीके से हम इसी तरह इसका जो ऊपर वाला जो है उसका आउटर जो है ये वाली साइड और सामने वाला कॉइल के साथ इसको जुड़ना है। तो 1 से 4 नंबर का जो लीड होगा उसके साथ जुड़ना है। तो एक ये जो पहले वाला इसके साथ ज्वाइन किया, आप ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 तो 4 नंबर के साथ इसको जोड़ दिया। सेम इसी तरह इसको भी ऊपर वाला को जो है पकड़ना है मेरे को, ये इसको भी पकड़ने के बाद इसका भी 4 नंबर वाला जो लीड है, तो 1 2 इसका इसका छोड़ दिया, तो इसका आउटर जो है ये वाला इसके साथ आउटर, तो 1 2 3 और इसके साथ जिसके साथ जोड़ा है बीच और जो बीच में, बीच में 2 स्लॉट होगा खाली रहेगा। तो आसान भाषा में समझे, इसका जो आउटर हो तो सामने वाला सेट का इनर होगा, तो दोनों ऊपर वाला एक पकड़े तो नीचे वाला सामने वाला जो ऊपर वाला नीचे वाला होगा उसके साथ, तो इसका आउटर पकड़ा तो इसका इनर के साथ जोड़ेगा, इसका इनर सामने वाला जो सेट का इसका आउटर के साथ जोड़ेगा, यानी इसका आउटर इसके साथ इनर के साथ जोड़ेगा। सेम इसी तरह इसको भी आकर पकड़े तो इसका देखिए आप, इसका जो इनर है तो सामने वाला कॉइल बिल्कुल आप सामने वाला जो सेट है इसका इनर के साथ जुड़ गया इसका आउटर। तो सेम इसी तरह इसको 3 जो लीड है इसको ज्वाइन कर लिया गया। तो मैं वीडियो बनाया था, वीडियो में क्या हुआ थोड़ा दिक्कत हो गया था मोबाइल पे, यानी कैमरा पे थोड़ा दिक्कत हो गया था, इस वजह से इसका जो वीडियो है वो कट गया। तो बाद में मैं इसको खोलना नहीं चाहा क्योंकि इसमें थोड़ा काम की वजह से इसे फिर खोल के फिर ज्वाइन करना पड़ता है, तो इससे मैं किसी लोगों को समझ दिया। तो उसके बाद जो है इसमें 6 लीड दिखता है आपको, 6 लीड में मेरे को करना क्या है, इसमें मेन की तरफ 6-3 निकालना है और 3 जो है इसको सीता की तरफ निकालना है, डेटा की तरफ निकालना है। तो इसके 6 जो लीड है आप देख सकते हैं, इसमें 3 जो लंबा लंबा सा स्लो पहना कर रखा है, ये जो 3 होगा मेरा मेन की तरफ जाएगा, तो एक कोई भी किधर से भी शुरू करते हैं, अब ये अगर पकड़ लेता तो ये दोनों जो है 3 जो लीड है वो एक छोड़ के एक मेरे को पकड़ना पड़ता है। तो जैसे कि 3 जो है 3 में स्लो पहना कर रखा है और 3 में स्लो पहना नहीं पहना है, तो इसमें 3 जो स्लो पहना कर रखा है वो मेन की तरफ है, हर एक कॉइलों का सेट का हर एक सेट होगा इसमें 4, इसमें 3 जो सेट ऊपर की तरफ है उसका इनर जिनर जो है वो मेन की तरफ आ जाएगा और 3 जो बाहर की तरफ है जिसमें स्लो नहीं पहना कर रखा है, तो ये मेरा आउट आपस में जोड़ के इसको जो कनेक्शन हो एक्स्ट्रा कनेक्शन कर लिया जाएगा। तो इस मोटर जो है उसके एक्स्ट्रा कनेक्शन में चलेगा, तीनों फिर जो इसमें रेड येलो ब्लू, अगर मोटर सीधा की तरफ है मोटर कनेक्शन जो है सामने की तरफ होगा तो इसका सामने की तरफ मैंने ब्लू का इस घुमाने के लिए अगर इसमें रेड डाले तो इसमें येलो डालना पड़ेगा, येलो डालेगा और इसमें ब्लू डालेगा, तो ये समर्सिबल के लिए चलता है। तो ये जो मोटर है, मोटर में आप एक भी फेज चेंज कर देगा तो उसमें उल्टा घूमे तो उसको सीधा हो जाता है, तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो इसको इसका 3 जो है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद एक जो 3 है उसमें ज्वाइन करके देखते हैं इस तरह हम कर कनेक्शन बनते हैं। तो चलिए बस पहले से 3 जो है इसमें स्लो पहन कर रखा, तो अंदर की तरफ कनेक्शन लीड की तरफ निकल लिया जाता है, तो बाद में आते हैं।
तो भैया मेरा जो मोटर है 3 जो लीड लीड था आखिर वाला लास्ट वाला, तो इसको भी ज्वाइन कर लिया गया क्योंकि टाइम की वजह से इसमें ज्वाइन कर लिया गया। इस तरफ जो है इसमें 3 लीड निकल कर रखा है, तो इसमें रेड येलो ब्लू तीनों देगा। तो इसका कनेक्शन जो है सिंपल सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन है। आमने सामने वाला जो सेट होगा इसके साथ आपस में जुड़ेगा, यानी ये सेट के साथ ये वाला ऊपर वाला का सेट जो है ऊपर नीचे वाला का सेट के साथ जुड़ता है, तो इसका आउटर वो सामने वाला इनर के साथ जुड़ता है। तो मेरा एक भाई जो है वो इस वीडियो में पिछले वाला वीडियो में मेरे को कमेंट किया था, अगर इसमें 6 सेट डाला हुआ है तो हर एक फेज में दो दो सेट मिलता है, तो उसको इस मोटर में 1440 आरपीएम 4 पॉइंट किस तरीके से बनते हैं। सो यार आपको लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर इसमें दो सेट, अगर यही जो सेट है इसको मैं इसका पीस जो है 12, 14, 16, 18 कर देता, ये जो 48 स्लॉट का मोटर है इसका हिसाब छोड़ दो, तो इसमें 36 स्लॉट का अगर मोटर हो तो उसका लास्ट वाला जो इस पार वाला नहीं बड़ा वाला क्वाल से जो आता है तो उसमें 18 नंबर आएगा और सेम इसको आधा यानी आधा जो स्लॉट जो है इस क्वाल में स्लॉट में डाल लेगा, यानी बीच में जो होगा 12 स्लॉट खाली रहेगा, तो उसका पीस जो होगा 1 16, 1 14, 1 18 का पीच अगर हो तो 6 सेट जो इसमें डाला हुआ है डालेगा तो उसका जो आरपीएम होगा तो 2900 आरपीएम होगा। सेम इसी तरह इसका कनेक्शन जो होगा सामने वाला आमने सामने वाला सेट होगा, बीच में देखिए आप देख सभी को दिख सकते हैं इसमें जो सेट है 1 2 3 3 जो सेट इसमें दिखता है, तो अगर उसमें 1 14, 1 16, 1 18 का पीच डाले तो इसमें 2 जो सेट इसमें ऊपर की तरफ दिखेगा आधा इस तरफ है आधा इस तरफ, तो उसका पीच जो है वो तभी 2 पोल में बनेगा और इसमें जो है इसमें कॉइल जो है इसमें 4 पोल में बनते हैं, तो देख सकते हैं किस तरह से बनते हैं। इस टाइप जो है तो 3 सेट नीचे की तरफ है, 3 सेट नीचे की तरफ है, तो इसमें 1440 आरपीएम जो है इसमें होगा और इसमें जो 36 स्लॉट का मोटर ये 48 स्लॉट का मोटर में इसमें 4 जो कॉइल दिख रहा है आपको 1 2 3 4 इसमें 4 कॉइल का सेट है और इसमें 3 कॉइल का सेट आता है, तो ये जो मोटर है वो 48 स्लॉट का मोटर है इसीलिए इसका 1440 आरपीएम आएगा। तो अगर आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आएगा, तो इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा वीडियो एक वीडियो डिटेल से बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरा जो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करने जाना, क्योंकि हर आगे जाकर जो वीडियो मैं कभी भी डालूँ तो आप सभी को इसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।